और फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे, मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है। बहन जी आप ये जो बोल रही ठीक नहीं, बोली मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। मैंने बहन जी से बात की, मैंने कहा बहन जी मेरी सिर्फ एक बेटी है, सबसे बड़ी संतान है मेरी, मुझे जल्दी की छुट्टी दे दीजिए। बोली तुम चले जाओगे तो इलेक्शन एजेंट बनाना, ये बनाना, वो बनाना, चुनाव फंसा हुआ है, मैं चुनाव हार जाऊंगी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं गया। दूसरे दिन मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी मर गई। जो टेप आप लोग सुनकर आए उसमें कुछ नहीं नया नहीं था, वो पूरा मैंने सुना है। अपने मतलब की बातें जो है हाँ हाँ तो उस दिखा दिया है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उसको काट दिया है। मुस्लिम समाज के लोग नसीम को बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, उनको पूरा भरोसा है कि बहन जी मुस्लिम समाज के बारे में ऐसा कभी भी नहीं बोल सकती।